बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस काम्या पंजाबी का फूटा विवेन देसेना पर गुस्सा। बिग बॉस के लाडले कहने को लेकर बोली है बड़ी बात। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, काम्या पंजाबी जो कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही हैं, अब विवेन देसेना जो कि बिग बॉस के घर में जाते से ही बिग बॉस के लाडले बन गए हैं। हालांकि विवेन ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कलर्स टीवी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते विवेन की एंट्री कुछ इस तरीके से कराई गई थी, सबसे अलग और सबसे स्पेशल। और बार बार घर में बिग बॉस ने ये बातें भी साफ की है, सलमान खान ने ये बातें साफ की है कि कलर्स का लाडला अगर कोई है तो वो है विवेन देसेना। और यही वो बड़ी वजह है कि विवेन का एटीट्यूड भी नेक्स्ट लेवल पर है। अब इस पर रिएक्ट करते हुए काम्या पंजाबी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि विवेन लाडला है, विवेन देसेना सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड और घमंड में जी रहा है। विवेन को पता है कि उनकी एक बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो एक बड़ा फेस है, लेकिन मुझे लगता है कि विवेन का गेम वैसा नहीं जा रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। हालांकि वो एक टैलेंटेड इंसान है और उनकी एक रौबदार पर्सनैलिटी है। विवेन देसेना को इसलिए भी शायद लोग पसंद करते होंगे, लेकिन ये लाडला वाला जो शब्द है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि विवेन के लिए बना है, क्योंकि विवेन देसेना एक अच्छे और फेवरेट हो सकते हैं कलर्स के, लेकिन लाडले बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक जनता की बात है तो जनता चाहत पांडे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, मैंने उनको देखा है कई बार चाहत के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। विवेन एक अच्छा गेम अगर खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ऑडियंस में बहुत ही जल्दी और एक लंबी पकड़ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि विवेन जो है वो कलर्स के लाडले हैं। मेकर्स के लिए सभी बराबर हैं और जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सब समान हैं, और उन सबको ही जीतने के लिए वोट की ज़रूरत होती है। लाडला होने से आप शो को नहीं जीत सकते हो, आप कुछ ऐसा काम करोगे तभी आप शो को जीत सकते हो, तभी आप शो में बने रह सकते हो। काम्या पंजाबी के इस बयान पे आपका क्या है ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।